हेलो स्टूडेंट्स, हम सेकेंड ईयर प्रैक्टिकल के लिए बॉटनी के लिए बात कर रहे हैं। हमने आपके काफ़ी सारे टॉपिक क्लियर कवर कर दिए हैं। फर्स्ट पेपर आपका कवर खत्म हो गया है। सेकेंड पेपर में आपका फिजियोलॉजी में हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं। रेस्पिरेशन में पिछली बार मैंने आपको एरोबिक रेस्पिरेशन और एनरोबिक रेस्पिरेशन समझाया। आज हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या है? आर क्यू क्या है? पहले तो हम सबस्ट्रेट की बात कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो जो भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है, यानी जो श्वसन में भाग लेने वाला क्रियाधार है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन की एब्सेंस में, या ये कहो कि उसका ऑक्सीडेशन हो या ऑक्सीडेशन नहीं हो, लेकिन वो किन टुकड़ों में टूटता है। हमें मालूम है कि रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी मुक्त होती है। CO2 निकलती है और O2 ली जाती है। ये एरोबिक रेस्पिरेशन की बात है कि ऑक्सीजन ली जाती है और CO2 निकलती है। लेकिन सभी रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस का, जितने भी श्वसन क्रियाधार हैं, उनको तोड़ने का क्रम ये नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट में ये व्यवस्था होती है कि CO2 जो है लेकर CO2 निकाली जाती है। तो हम एक एक चीज देखते हैं। पहले रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट क्या है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, इसमें क्या हो सकते हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट कौन से हैं? जैसे जो अनाज वाले पौधे हैं, आपके गेहूं है, चावल है, बाजरा है, ये कार्बोहाइड्रेट के अंदर आते हैं। दूसरा सबस्ट्रेट हो सकता है फैट, जिसके अंदर हमारे ऑयल्स आते हैं। ऑयली सीड्स जितने होंगे, वो हमारे ऑयल सीड जितने भी होंगे, उनको हम रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट की तरह ले सकते हैं। तीसरा है प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर जैसे आपके दालों वाले सीड्स हैं, वो हम ले सकते हैं। कहना चाहिए कि दाल जितनी है, यानी पल्सेस, इनको हम रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट की तरह ले सकते हैं। चौथा ऑर्गेनिक एसिड हो सकते हैं। और आरक्यू पांचवें सक्यूलेंट्स के लिए भी हो सकता है, क्योंकि सक्यूलेंट्स पादपों में रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों ही प्रक्रिया अलग तरह से होती है। तो हम आरक्यू निकालते कैसे हैं? आरक्यू पहले है क्या, हमें ये पता हो। आरक्यू क्या है? निकली हुई CO2, यानी जो प्रक्रिया में, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में CO2 निकलती है और O2 ली जाती है, तो हम इसको लिख सकते हैं इवॉल्व्ड CO2 अपॉन एब्सॉर्ब्ड O2। ठीक है, ये हमारा है आरक्यू। तो आरक्यू की परिभाषा क्या है? किसी भी क्रिया में, ऑक्सीडेशन की क्रिया में, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जब ऑक्सीडाइज होता है, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, हम दिखा रहे हैं इसको, ऑक्सीडाइज होता है, तो उसमें ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो आरक्यू क्या है? इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय एब्जॉर्ब्ड O2, यानी जितना आयतन ऑक्सीजन का लिया गया, ये हम नीचे रखेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड का निकला हुआ आयतन। अब हम इसको नापते कैसे हैं? उसके लिए हम एक व्यंजक बना रहे हैं। इसको जो नापने का जो इक्विपमेंट है, उसे हम कहते हैं रेस्पायरोमीटर। और आरक्यू नापने के लिए जो रेस्पायरोमीटर है, उसे कहते हैं गेनॉम्स रेस्पायरोमीटर। ठीक है, गेनॉम्स रेस्पायरोमीटर। अब यदि हम बात करें इसके डायग्राम की, कि हम आरक्यू कैसे निकालते हैं, तो देखिए, ये हमने एक बल्ब लिया है जो हमारा केमिस्ट्री में काम में आता है, और इस बल्ब को हमने एक ट्यूब से छोड़ दिया। ये
ये ट्यूब बेंटेड ट्यूब है, ये थोड़ी चौड़ी है और दोनों तरफ ये पैरेलल ट्यूब्स हैं जिनको एक पतली पाइप से जोड़ा गया है। ठीक है, ये दो पैरेलल ट्यूब्स हैं और इनको एक स्टैंड द्वारा फिक्स कर दिया गया। ठीक है, ये स्टैंड द्वारा इसको कस दिया गया। जिससे ये ये दो ट्यूब्स हैं जिनमें हम सलाइन वाटर लेते हैं। इस सलाइन वाटर के तल को दोनों ट्यूब्स में, जो पैरेलल ट्यूब्स में, उनमें बराबर रखते हैं। सलाइन वाटर क्या है, एनएवाइज का घोल हम ले सकते हैं। और ये हम क्यों लेते हैं, ये है इसमें सलाइन वाटर। हम सीधे सीधे इसमें एन ए वाई ही लिखे इसको, एन एच सोल्यूशन। ये रबर ट्यूब है जिसके द्वारा ये दोनों पैरेलल जो कांच की ट्यूब्स हैं वो रबर ट्यूब द्वारा जुड़ी हुई है। ये ग्लास ट्यूब है जिनमें मेजरिंग का सिस्टम है, यहाँ पर इसमें मेजरमेंट के निशान लगे हुए। और इसमें हमने क्या करा है, सलाइन वाटर। और इसके अंदर हमने ये यहाँ स्टॉपर लगा हुआ है, ये बल्ब है जहां की हम जर्मिनेशन के लिए सीड्स रखते हैं, जर्मिनेशन के लिए सीड्स रखते हैं। ये जो भी रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट हमें लेना है वो हम यहाँ, यानी श्वसन गुणांक जिसका भी हमें नापना है वो सब्सटेंस हम यहाँ रखते हैं। तो ये हो गए जर्मिनेटिंग। ये इसका स्टॉपर है और ये बल्ब है जिसमें हमने ये सीड्स रखे। तो ये कांच का बल्ब है, इसकी रचना किस तरह की हुई कि ये कांच का बल्ब है जिसमें ऊपर स्टॉपर लगा हुआ है और जिस स्टॉपर में एक छेद है इसके, यानी कि इसको बंद करने की और खोलने की व्यवस्था है। प्लस ये बल्ब कांच की दो ट्यूब से जुड़ा हुआ है। ये जो ट्यूब्स हैं दोनों पैरेलल हैं, बिल्कुल इक्वल डायमीटर की हैं। और फिर ये दोनों पैरेलल ट्यूब किससे जुड़ी हुई है, एक रबर ट्यूब से जुड़ी हुई है। इन दोनों को, पैरेलल ट्यूब को हमने एक स्टैंड से कसा हुआ है जिससे इनकी व्यवस्था एपरेटस इस तरीके से सेट करते हैं, ये व्यवस्था बिगड़े नहीं। और इसके अंदर हम क्या भर रहे हैं, इस ट्यूब के अंदर सलाइन वाटर भर रहे हैं। सलाइन वाटर हम क्यों भर रहे हैं, क्योंकि जो CO2 निकलती है उस सलाइन वाटर में अविलेय होती है, एब्जॉर्ब नहीं होती है। और हमें इसको दिखाना है कि कितनी CO2 निकल रही है, कितनी O2 ली जा रही है। तो हम ये दिखाते हैं कि इसके अंदर, पहले इसके अंदर क्या है ये देखें। तो इसके अंदर जो गैस थी, हमने पहले इसमें क्या किया, सीड्स भर दिए और इसके स्टॉपर के छेद को, छेद के द्वारा इसमें वायु प्रवेश करा था। ठीक है, और फिर इसका स्टॉपर हमने घुमा के इसका छेद बंद कर दिया। तो जितनी इसमें वायु प्रवेश करती है इसमें ऑक्सीजन होगी और इसके अंदर अब हम जब इसकी सीड जर्मिनेट होते हैं तब ये ऑक्सीजन लेता है। अब हम ये ज्ञात करते हैं कि रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट हमने क्या लिया है। रेस्पिरेटरी जो क्वेश्चन है वो, क्योंकि सबका अलग अलग होता है, ये अब अभी हम एक एक को अलग अलग लेंगे कि यदि अब ये हमारा रेस्पिरेटरी क्वेश्चन निकालने का क्या है, एपरेटस। अब इसके बाद हम ये रेस्पिरेटरी जो सब्सट्रेट हैं उनके अलग अलग लेते हैं और उनके अनुसार हमारा आर क्यूब अलग अलग निकलता है। जैसे हम आर क्यूब फॉर कार्बोहाइड्रेट की बात करें, फॉर कार्बोहाइड्रेट, तो हमने कार्बोहाइड्रेट के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या होता है, 6 CO2
सॉरी C6H12O6 + 6O2 इज इक्वल टू 6CO2 + 6H2O। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अब आप देखिए रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या है, ग्लूकोज। रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट क्या है, ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट, और ये ऑक्सीजन ले रहा है और क्या निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O पानी निकल रहा है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि आरक्यू क्या होता है। तो 6CO2 डिवाइडेड बाय 6O2, तो आरक्यू इज इक्वल टू 1। अब हम इसकी स्थिति यहाँ कैसे देखेंगे कि इसके अंदर हमारे यदि जर्मिनेटिंग सीड्स कार्बोहाइड्रेट के हैं, यानी किसी अनाज के हैं, गेहूं के हैं, बाजरे के हैं या धानों के हैं, तो इसका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन एक आना चाहिए। अब एक कैसे आएगा, ये हम कैसे नापेंगे कि यहाँ हमने अनाज लिए हुए हैं और जब जितनी O2 ये लेते हैं उतनी ही ये कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, जिसमें रेस्पिरेशन के दौरान। तो क्या होता है, जितनी CO2 ली है उतनी ही CO2 निकाली है, उस स्थिति में ये सलाइन वाटर का जो लेवल है वो की वही रहता है, यानी दोनों ट्यूब्स में जो लेवल है वो बराबर रहता है। तो हम इसको इस प्रकार से सिद्ध करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के लिए जो आरक्यू है वो क्या है, 1 है। लेकिन यदि हमने इसमें फैट या प्रोटीन की चीज ली है तो आरक्यू क्या हो जाएगा, फॉर प्रोटीन और फैट। यदि हम फैट की बात करें तो एक जो हम ओलिक एसिड लेते हैं, सॉरी फैट लेते हैं C18H34O2, और इसमें जो ऑक्सीजन दी जाती है 25.5O2 इज इक्वल टू 18CO2 + H2O 3H2O। अब आप इसमें देखिए तो CO2 तो निकली है कम और ऑक्सीजन दी गई है ज्यादा, उस कंडीशन में क्या होगा, तो आप देखिए इसका जो आरक्यू है वो क्या होगा, 18CO2 डिवाइडेड बाई 25.5O2 क्या होगा, आरक्यू हमेशा 1 से, क्योंकि नीचे की संख्या ज्यादा है ऊपर की कम है, आरक्यू 1 से कम होगा, लेस देन 1। ठीक है, तो ये है कितना 0.72, 1 से कम। अब हमें यहाँ पर यही स्थिति दिखानी है। अब आप देखिए इस कंडीशन में यदि हम फैट या प्रोटीन लेते हैं, हम यहाँ अभी फैट की बात कर रहे हैं, यहाँ हमने फैट लिया, यदि हम यहाँ फैटी सीड्स लेते हैं, फैटी सीड्स कौन से हैं, जैसे सरसों है, ग्राउंडनट है या आपका अरंडी है, इनके फैटी सीड्स लेते हैं और यदि यहाँ रखते हैं तो स्थिति क्या होगी। हम देख रहे हैं इस इक्वेशन में कि O2 ज्यादा ली गई है, इस ऑक्सीडेशन में O2 ज्यादा ली जा रही है और CO2 कम निकल रही है, तो यहाँ जितनी ऑक्सीजन ली जाएगी उसके मुकाबले में रेस्पिरेशन के समय ऑक्सीजन तो ले ली जाएगी लेकिन CO2 कम निकलेगी, तो क्या होगा, जब यहाँ निकलने वाली CO2 होगी, अब आप देखिए कि इसका लेवल कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, क्यों, उस के वॉल्यूम को कवर करने। ठीक है, तो फैट के अंदर इस नली में जो सलाइन वाटर है वो ऊपर जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि इसने ऑक्सीजन ज्यादा ली है, CO2 कम निकली है, तो उस वॉल्यूम को कवर करने के लिए इसका जो सलाइन वाटर का लेवल है वो आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो फैट और प्रोटीन के लिए हम देखें, यदि फैटी सीड्स लेते हैं या प्रोटीन लेते हैं, यानी हम सरसों के बीज या अरंडी के या अलसी के बीज लेते हैं, या हम प्रोटीन सीड्स लेते हैं यानी कोई दालों वाले सीड्स लेते हैं, यानी चना है या आपका कोई भी दाल है वो लेते हैं और वो अंकुरित होती है, तो इसमें नली में जो ट्यूब में जो सलाइन वाटर का लेवल है वो इधर से बढ़ेगा और इधर से घटेगा, क्यों, क्योंकि ये पूरी कनेक्टेड है। ठीक है, इस लेवल से ही हम आरक्यू का मान ज्ञात करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट में इसका मान इसका लेवल बराबर रहा, क्यों रहा, क्योंकि जितनी CO2 जितनी O2 इसने ली थी उतनी ही CO2 इसने निकाली, तो इस सलाइन वाटर के लेवल पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन प्रोटीन और फैट की बात करें तो यहाँ CO2 ज्यादा ली जा रही है, CO2 कम निकल रही है, इसलिए इसका वॉल्यूम इसका लेवल जो है वो यहाँ बढ़े। ठीक है, अब हम यदि तीसरी बात करें ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए, यदि हम ऑर्गेनिक एसिड के लिए बात करें तो आर
आरक्यू की वैल्यू एक से ज्यादा होती है, आरक्यू फॉर ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, तो आरक्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 होता, ग्रेटर देन 1 होता। यदि हम मैलिक एसिड की बात करें तो देखिए C4H6O5 इज प्लस 3O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस H2O, 4CO2 प्लस H2O। अब यहां देखिए 4CO2 है और 3O2 ली गई है, जबकि 4 मॉलिक्यूल CO2 के निकल रहे हैं। अब यदि हम इसका आरक्यू निकालें तो 4CO2 डिवाइडेड बाई 3O2, आरक्यू की वैल्यू एक से ज्यादा आएगी और वो भी 1.3, ये एक से ज्यादा होगी 1.3। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या होगा, यदि हमने इससे ऑर्गेनिक एसिड्स वाले सीड्स लिए हैं इसके अंदर, तब क्या होगा, ऑक्सीजन की वैल्यू कम और CO2 निकल रही है ज्यादा। उस स्थिति में ऑक्सीजन यहाँ से एब्जॉर्ब हुई, CO2 ज्यादा निकली, तो CO2 इस वॉल्यूम को कवर करने के लिए इस सेलाइन वाटर में वाटर का लेवल नीचे चला जाए। ठीक है, जब यहाँ नीचे जाएगा तो ये यहाँ बढ़ जाएगा, यानी फैट और प्रोटीन की जो स्थिति थी उससे उलट हो जाए। ठीक है, अब ये हमारा हो गया क्या, ऑर्गेनिक एसिड। यदि हम सर्क्यूलेट्स की बात करें, क्योंकि आदमी सबके लिए अलग अलग होता है, सर्क्यूलेट जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो फुल्ली ऑक्सीडाइज नहीं होता, यानी कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता, यानी कि ऑक्सीजन तो यूज हो रही है लेकिन CO2 नहीं निकल रही। तो सर्क्यूलेट के लिए यदि हम कहें, सर्क्यूलेंट क्या होते हैं, जो मांसल पौधे होते हैं उन्हें हम सर्क्यूलेंट कह सकते हैं। मांसल पौधे जैसे नागफनी वगैरह हैं, कैक्टस जितने भी हैं वो मांसल पौधे होते हैं। और इनका आरक्यू निकालने के लिए यदि हम देखें तो ये है ग्लूकोज प्लस O2 इज इक्वल टू, निकलता क्या है यहाँ पर, मैलिक एसिड निकलता है, मैलिक एसिड और वाटर निकलता। अब क्या बना, ये इंटरमीडिएट सब्सटेंस, इंटरमीडिएट सब्सटेंस बना। रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट क्या है, क्रियाधार क्या है, श्वसन क्रियाधार ग्लूकोज है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, लेकिन क्या बन रहा है, मैलिक एसिड बन रहा है, CO2 नहीं बन रही, यानी इसके रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीडेशन में फुल्ली क्या कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ग्लूकोज और इंटरमीडिएट सब्सटेंस बनते हैं जैसे मैलिक एसिड। तो इसका यदि हम C6H12O6 + 3O2 is equal to C4H6O5 + 3H2O, ये है। अब यदि हम इसका आरक्यू निकालें तो आप देखिए यहाँ पर CO2 निकल ही नहीं रही, CO2 निकल ही नहीं रही, तो हम यहाँ लिखेंगे 0 CO2 / 3O2। तो क्या हो जाएगा, आरक्यू की वैल्यू क्या होगी, 0, आरक्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो उस स्थिति में यदि हमारे सर्क्यूलेंट्स के बीच हैं या सर्क्यूलेंट रखा हुआ है और उसको हमने उसमें रेस्पिरेशन करा रहे हैं, मांसल पौधा पौधे की लीव भी रखी है और उसमें हम रेस्पिरेशन देख रहे हैं, तो क्या होगा, आरक्यू इक्वल टू 0, क्योंकि CO2 निकल ही नहीं रहा। तब क्या होगा, ये लेवल जो है इसका पूरा का पूरा इसको कवर कर लेगा, ये पानी जो है सलाइन वाटर सारा इसमें चला जाएगा, क्योंकि O2 तो ले ली गई, CO2 निकली नहीं, तो यहाँ क्या होगा, जो वैक्यूम होगा उसको कवर करने के लिए ये पूरा का पूरा सलाइन वाटर इस बल्ब में चला जाएगा। तो इस तरीके से आरक्यू निकालने के लिए हम रेस्पिरेटरी कोशेंट निकालने के लिए गेनॉक्स रेस्पायरोमीटर को यूज करते हैं। ये गेनॉक्स रेस्पायरोमीटर का हमने डायग्राम बनाया है, और रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट अलग अलग होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स या सक्यूलेंट या ऑर्गेनिक एसिड, इनके लिए रेस्पिरेटरी कोशेंट अलग अलग होता है। और सबका जो नापने का ये जो इक्विपमेंट है अपना एपरेटस है वो एक ही है, लेकिन यहाँ रेस्पिरेटरी जो सब्सट्रेट है वो अलग अलग रखा जाएगा। कार्बोहाइड्रेट के लिए अनाज वाले बीज रखे जाएंगे, प्रोटीन के लिए हम दाल रखेंगे जो जर्मिनेट होगी और रेस्पिरेशन करेगी, और फैट के लिए हम जो जैसे सरसों और अरंडी के बीज रख सकते हैं,
सर्कुलेंट के लिए हम मांसर पौधे की पत्तियां रख सकते हैं, तो उनमें रेस्पिरेशन शो कर सकते हैं। इस तरीके से अलग अलग रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के लिए आरक्यू भी अलग अलग होगा। थैंक यू।